एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा और आज आपको बताने वाली हूं माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाए, यानी नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करनी है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है और देवी पार्वती ने ये रूप महिषासुर नाम राक्षस को मारने के लिए धारण किया था। माता का ये रूप काफी हिंसक माना गया है, इसलिए माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा का विधान बताया गया है। देवी कात्यायनी को युद्ध की देवी कहा जाता है और महिषासुर मर्दानी और पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो देवी के सभी रूप बहुत ही मनमोहक हैं, लेकिन माता का कात्यायनी रूप जो है वो करुणामयी बताया गया है। जो भी जातक सच्चे मन से माता कात्यायनी की पूजा करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करती है, ऐसे मान्यताएं हैं। माता कात्यायनी जो है अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयास करने वाले भक्तों के लिए माता की विशेष दृष्टि है, विशेष जो है उनकी रुचि है, इसलिए उनकी उपासना वो ज़रूर करें। इसके लिए आपको माता कात्यायनी की सही पूजा करनी होगी, सही से विधि विधान से करना होगा। आपको आज मैं यही बताने के लिए इस वीडियो में आई हूँ कि छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा कैसे करें, कैसा है माता कात्यायनी का स्वरूप, क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है उनकी कथा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों का रखना है ध्यान, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से आपको पूजा करनी है, किस तरह से, किस विधि विधान के साथ। नवरात्रि की जो पूजा का मुहूर्त है सबसे पहले वो जान लेते हैं। अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर के दिन बुधवार को होगा। सुबह 9:10 से ये शुरू हो रहा है और 22 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 7:41 तक रहेगा। ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना गुरुवार की सुबह होगी। माँ का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें कात्यायनी देवी के नाम की, तो वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार युद्ध की देवी कहे जाने वाली माता कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कई जगह पर ये भी संदर्भ है कि देवी कात्यायनी माता पार्वती का अवतार है और सबसे पहले कात्यायन ऋषि ने ही उनकी उपासना की थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऐसा है कि माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है ये बताते हैं आपको। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा का विधान है और अगर दिव्य रूप कात्यायनी देवी के स्वरूप की बात की जाए, तो माता कात्यायनी का जो शरीर है वो सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता कात्यायनी सिंह पर सवार हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ ने अपने एक हाथ में तलवार ली है, दूसरे हाथ में अपना प्रिय विष्णु कमल का फूल लिया हुआ है। माता के बाकी दोनों हाथ जो है उसमें वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो देवी माता क्या, जब आप पूजा करते हैं उस वक्त आपको किस मंत्र का जाप करना है ये जान लीजिए। तो स्क्रीन पर आपके एक मंत्र नज़र आ रहा होगा, पहला मंत्र, दूसरा मंत्र, ये दोनों मंत्र आपके लिए बेहद उत्तम है। इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बेहद फलदायी पूजा होगी। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आपको माता कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर लें और लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की शुरुआत करें। देवी अति प्रसन्न होंगी। पूजा में नारियल, कलश, गंगा जल, कलाबा, रोली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप दीप, नवेद, घी आदि का इस्तेमाल करें। पूजा में चढ़ाए जाने वाले नारियल को चुन्नी में लपेट कर कलश पर रख दें। इसके बाद कात्यायनी देवी को रोली, हल्दी और सिंदूर से तिलक लगाएं। फिर मंत्र का जाप करते हुए माँ कात्यायनी को फूल अर्पित करें। अपने घर परिवार की खुशियों की मंगल कामना करें और ये भी ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हैं तो उसके बाद फूल अर्पित करें और ऐसा करने से बेहद शुभ फल मिलेंगे। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा में मधु यानी कि शहद का उपयोग बहुत ज़रूरी है और इस दिन का जो शहद का प्रसाद है, आप शहद को प्रसाद के रूप में लें, उसका इस्तेमाल करें और माता कात्यायनी के सामने घी का दीपक ज़रूर जलाएं। पूजा के बाद प्रसाद को भी सभी में वितरित करें यानी सभी में बांट दें और माँ से आशीर्वाद लें। अब
किस रंग का वस्त्र आप पहने, ये भी जान लीजिए। माता कात्यानी को महिषासुर मर्दानी के नाम से जाना जाता है और देवी कात्यानी लाल रंग के वस्त्रों में सुशोभित होती थी। तो माता का श्रृंगार भी लाल रंग से करें और संभव हो तो आप भी लाल रंग के वस्त्र पहने। ये रंग माँ को बेहद पसंद है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन यानी कि माता की पूजा के वक्त लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करना बेहद अच्छा होगा। माँ प्रसन्न होंगी, माता जल्दी प्रसन्न होंगी तो आप पर उनकी कृपा जल्दी बरसेगी। देवी कात्यानी की पूजा से होने वाले लाभ क्या होंगे, ये भी जान लीजिए। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यानी देवी की पूजा करने से, इस दिन व्रत रखने से यदि किसी जातक के विवाह में कोई अड़चन है तो वो परेशानी दूर हो सकती है। देवी के आशीर्वाद से उसे सुयोग्य व्रत की प्राप्ति होगी, उसे अच्छा पति मिलेगा या अच्छी पत्नी मिलेगी। कात्यानी देवी का व्रत करने से कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है और कार्यों में आ रही परेशानी जो है वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यानी देवी की पूजा करने से राहु ग्रह की वजह से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं जो हैं, काल सर्प जैसे बड़े बड़े जो दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो सच्चे मन से अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपको त्वचा से संबंधित रोग, मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याओं से भी, परेशानियों से भी निजात मिल सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी माना गया है कि देवी की पूजा करने से कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारी है उसे भी आप अपने आप से दूर कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यानी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव जो आपके जीवन में पड़ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको एक विशेष जानकारी ये भी देने वाली हूँ कि माँ कात्यानी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली के समीप छतरपुर में मंदिर एक है, भव्य मंदिर जो माँ दुर्गा के कात्यानी रूप को समर्पित है। छतरपुर मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये मंदिर गुड़गांव मेहरोली मार्ग के निकट छतरपुर में स्थित है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वैसे तो सालों साल यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन विशेष तौर पर नवरात्रियों में और खास करके छठे दिन अगर आप इस मंदिर में जाकर के कोई भी मनोकामना मांगते हैं या फिर माँ की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ मैं लेकर आने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि सातवें दिन, आठवें दिन, नवें दिन माँ की उपासना आपको कैसे करनी है। तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप तुरंत इन जानकारियों को हासिल कर सकेंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते हंसते रहें, प्रभु से मैं बस यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।